या मैं भी रेडी हो गई हूँ या मैंने भव्य को भी रेडी कर लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के वहाँ। देखते हैं क्या बताते हैं, कितना इम्प्रूव हुआ है, आगे क्या करना है। तो बस अब चलते हैं आपको डॉक्टर के वहाँ। डॉक्टर छुरी ना लगाएंगे? क्यों नहीं, छुरी नहीं लगाएंगे, छुरी उनके पास छुरी नहीं है। नहीं, आप डॉक्टर के पास भी जाइए छुरी। चले? हाँ चलो। चलो ये है रनिया मेडिकल सेंटर जहाँ मैं भाव्या को दिखाती हूँ। शानी टंडन बहुत अच्छी डॉक्टर है। और ये देखिए इस तरीके से इन्होंने छोटी सी अपनी गार्डन बना दी है इसको आगे। और मुझको सबसे अच्छी ये लगते हैं ये यहाँ पे। क्या कह रही है भाव्या? हाँ जी जी, डॉक्टर के वहाँ से आ गए तो उन्होंने बताया है कि अभी भाव्या का इसी तरीके से जो चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। फिर दो दिन बाद बुलाया है देखने के लिए कि क्या कंडीशन रहती है। क्यों भाव्या ना? हाँ क्या कुछ देखा नहीं ऐसे आला ऐसे करके आला कर करके। तो बस अब घर पहुँचते सबसे पहले इसको दवा देंगे उसके बाद बाकी काम करेंगे। कभी मम्मा की तबीयत खराब होती है, कभी बेटू की है ना, सब लोग बारी बारी से बीमार हो गए ना। अच्छा और सब बीमार है, पूरा घर बीमार है, पापा मम्मी पापा मैं कोई सही नहीं है। और घर आ गए हैं और आते ही सबसे पहला काम इनको नेबुलाइजर दिया जा रहा है। ये देखिए कभी नहीं सोचा था कि भाव्या के साथ ऐसा होगा क्योंकि मेरे अस्थमा है तो मुझे बहुत मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। और देखो कितनी छोटी सी है और अभी से ये सब हो रहा है, मतलब बच्चों को इतनी दिक्कत हो रही है। खैर आराम है लेकिन अभी उतना नहीं है। डॉक्टर ने बताया शायद ये परमानेंट है, बड़े होके भी जा सकता है नहीं जा सकता अभी वो कुछ क्लियर कह नहीं रही है। बस वो ये कह रही है कि अभी फिलहाल दो दिन और ऐसे ही करिए, फिर जैसा होगा दो दिन बाद आइएगा, फिर वैसे आगे डोजे कम कर दी जाएंगी। जो अभी 4-4 घंटे पे करी जा रही हैं वो कम कर दी जाएंगी। नहीं ऐसे मत करो, नहीं लगा रहने दो, बच्चे भी क्या करें, बच्चे कुछ नहीं करेंगे। साथ लीजिए। अच्छा अच्छा अंदर लो। 4 बज गए हैं और भाव्या की दूसरी डोज का समय हो गया है तो मैं उसको दे रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे भाव्या, ये देखिए कर लीजिए बेटा फिर सुला देंगे। भाव्या अभी परेशान है क्या करे, पर करना तो है। ये कह रही है घर मेरी थी, कह रही थी मम्मा खिलौने दिलवा दो खिलौने, तो मैंने कहा ठीक है अच्छा अभी ये कर लो फिर शाम को चलेंगे, अब जो कहोगे वो दिलवा देंगे। तो बस अभी इनको ये करके नेबुलाइजर दे के फिर इनको थोड़ी देर सुलाएंगे, फिर शाम को इनको जगाएंगे तब देखते तो दिलवा देंगे खुश रहे। हाँ ताकि अच्छे से करवा ले भैया, ये बहुत ज़रूरी है इसके लिए। जो जो के साथ लीजिए भाभी अंदर, ये कर लो फिर चला देंगे। सही से कही हिंदी बात है ना, अच्छे भी। और ये देखिए भाभी ने पीछे देखिए क्या नक्शा बनाया हुआ है दीवार का, कर लो दीदी कर लो। अच्छा बोलिए इंच पे साथ लीजिए अंदर अच्छे से। ये देखो पकड़ा गया फोन, देखते हैं दादी का फोन उठाया है ना, है ना। हाँ अभी दादी बहुत मारेंगी, अब तुम मेरी नहीं सुनोगे ना? नहीं ना, ना। पता है तबीयत गंदी है। हाय मेरा बच्चा,
और ये देखिए भाभी की ऊपर जब यहाँ लाए थे धोई तो देखिए सिंक कर गई, तो ये देखिए छोटी हो गई है। इसी तरीके से और कपड़े लाए थे सब छोटे हो गए धोने पे। अब ये मेरी सुनेगी। अब फिर भाभी का वही समय हो गया है जब ब्लेजर देने का, तो ये देखिए इस तरीके से इनकी नौटंकी भी चल रही है। अच्छा सास हो बेटा, ये है वो मशीन जिसे इसको दिया जाता है। ये देखिए और इसमें डाली जाती है दवा। अच्छा बोलिए नहीं, अभी बोलिए नहीं, अभी चुप रही है, अभी कुछ चुप नहीं। हाँ ये देखिए भाव्या की मैम ने एप्पल बनाया था, तो भाव्या ने से किस तरीके से कलरिंग करी हुई है स्कूल में। ये देखिए सन और ये देखिए शेप ट्राइंगल स्क्वायर सर्कल और ये देखिए लीव। भाव्या ने देखिए किस तरीके से स्कूल में कलर करती हो। ये देखिए इन्होंने बर्ड बनाई थी स्कूल में। ये बर्ड नहीं है बंदर। तो ये क्या है बेटा? नहीं होता है। अच्छा मम्मी, अच्छा ये बर्ड है जो भाव्या ने बनाया था। देखिए यहाँ पे भाव्या को स्टार भी मिला है ना, क्योंकि मैं अच्छी बच्ची हूं। और क्या बनाया भाव्या ने? और क्या? और ये सिंडी है ना, ये हैप्पी दिवाली वाला, ये बटरफ्लाई और ये फ्लैग है ना, झंडा जो आप अक्सर बोलती रहती हो, मम्मा देश का झंडा, जय हिंद जय हिंद। कैसे करती हो? सही से करके दिखाओ। जय हिंद, जय हिंद ऐसे भी होता है और ऐसे भी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। कंप्यूटर पे कर रही हूँ का चाय लो। क्या काम कर रही हो? क्या काम? अपने ऑफिस का काम। अच्छा ऑफिस का काम कर रही हो। अच्छा जैसे पापा काम करते हैं तो पापा चाय मांगते हैं, वैसे ही कह रही हो ना? चाय दे। अच्छा ठीक है अभी देते हैं चाय। बज गया है रात के 12 यहाँ पे, और ये देखिए 12 बज गया है। भाव्या का आखिरी नज़र हो रहा है रात के 12 बजे जो 12-12 घंटों पे होता है। क्यों भाव्या? भाव्या चुपचाप कर ले। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है भाई। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो, गुस्सा बहुत करने लगी हो आजकल। ठीक है ठीक है, तो फिलहाल ज्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए जितना कुछ भी कर पाए। तो यही आज का ब्लॉग, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और भाव्या की तबीयत सोचे जल्दी से जल्दी सही हो जाए, कल फिर उसको डॉक्टर को दिखाना है। तो गुड नाइट, बाय बाय।